उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जल्द ही अपना नया अध्यक्ष मिलने वाला है। इस बार पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे कर सकती है। अभी तक किसी के नाम पर मुहर तो नहीं लगाई गई, लेकिन चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है। हरीश द्विवेदी, योगेंद्र उपाध्याय जैसे नामों का जिक्र लगातार हो रहा है। चर्चा है कि 17 अगस्त के बाद कभी भी नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो सबसे तगड़ी दावेदारी इस बार ब्राह्मण समाज की है, क्योंकि नए संगठन मंत्री ओबीसी समाज से बनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण में प्रदेश अध्यक्ष या तो ब्राह्मण या दलित के होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें हरीश द्विवेदी, योगेंद्र उपाध्याय शामिल है। इनके अलावा ब्राह्मण नामों में सतीश गौतम और सुबेद पाठक का नाम भी खासा चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लगातार कई नाम हैं जो आगे आ रहे हैं। इस बार अगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो कोई ब्राह्मण चेहरा ही होगा जो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खास बात यह है कि कब किस पद पर किस नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा, यह शायद कहना जल्दबाजी होती है। लेकिन अगर अंदरूनी सूत्रों की ही बात करें तो इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सबसे बड़ा नाम है वो योगेंद्र उपाध्याय हैं। बस ब्रज क्षेत्र से आते हुए वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री भी हैं। इसके अलावा कुछ और नाम हैं जैसे सुब्रत पाठक, कन्नौज से सांसद हैं और लगातार दूसरी बार सांसद हैं। इसके अलावा विभिन्न जिम्मेदारियां भी इससे पहले मिलती आई हैं सुब्रत पाठक को और बखूबी अंजाम दिया है। योगेंद्र उपाध्याय एबीवीपी के टाइम से ही जुड़े हुए हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जब से जुड़े तब से भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए बल्कि अपने नाम को भी भारतीय जनता पार्टी में और पुख्ता करते नजर आए हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव हो या असम विधानसभा सभा का चुनाव या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 हो, जब भी चुनाव प्रबंधक के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई बखूबी अंजाम दिया है। इसके अलावा हरीश द्विवेदी और सतीश गौतम भी वो ब्राह्मण चेहरा हैं जिनके नाम के आगे प्रदेश अध्यक्ष की मोहर लगना शायद बाकी है। लेकिन अगर बात करें पिछले चेहरों की तो जिस तरीके से 2016 में केशव प्रसाद मौर्य को जो कि ओबीसी समाज से आते उनको जिम्मेदारी दी गई और जिम्मेदारी मिलने के बाद 2017 में प्रचंड रूप न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई बल्कि खुद भी डिप्टी सीएम के रूप में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक ताज दिया और उसको लगातार 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य लगातार उस पद पर काबिज हैं और वर्तमान में नेता विधान परिषद के रूप में उनको एक नई जिम्मेदारी देके उनके कद को और मजबूत बनाया गया है। ओबीसी समाज से केशव मौर्य के अलावा अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जो दिग्गज की दौड़ में तो आगे हैं लेकिन ओबीसी और ब्राह्मण चेहरा इन दोनों की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण चेहरे के रूप में योगेंद्र उपाध्याय ही सबसे आगे नजर आते हैं। लेकिन अगर पिछड़े वर्ग की बात करें या एससी एसटी के वर्ग की बात करें तो उसमें दिनेश सोनकर का नाम भी आगे आ रहा है। इसके अलावा विद्या सागर सोनकर हैं और विनोद सोनकर हैं। विनोद सोनकर कौशाम्बी से सांसद हैं और विद्या सागर सोनकर प्रदेश कार्यकारिणी में भी इस वक्त अपने पद पर आसीन हैं। कुछ नाम ऐसे हैं क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह को 2017 में विधानसभा चुनाव में जब जीत मिली थी तो उसके बाद उनको जिम्मेदारी मिली थी प्रदेश अध्यक्ष की। 3 साल लगातार इस पद पर रहे हैं और प्रदेश पद पर रहने के अलावा उन्होंने जो भी और चुनाव के अलावा भी जिस तरीके से पार्टी में या संगठन में जिम्मेदारी मिली उसको भी बखूबी अंजाम दिया है। धर्मपाल सिंह सैनी जिनको अभी संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया गया है उनकी जिम्मेदारी भी मिलने के बाद अब सुनील बंसल को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है संगठन की और वो भी 17 अगस्त के बाद दिल्ली बैठेंगे। 17 अगस्त को धर्मपाल सिंह सैनी को पूर्ण रूप से संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिलेगी और ऐसे में ये बात आम हो जाएगी कि अब प्रदेश अध्यक्ष का अगला दावेदार कौन होगा। 1 से 2 दिन के अंदर ऐसी चर्चा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा चेहरा मिलेगा जो 2024 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के रूप में ऐसा स्थापित किया जाएगा कि उसके चेहरे के अलावा उसकी ताजपोशी भी ऐसी की जाए कि सामान्य वर्ग हो या ओबीसी वर्ग हो किसी भी प्रकार के वर्ग में वो चेहरा ऐसा आसीन हो कि उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव जो कि लोकसभा के रास्तों को जोड़ेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी पैठ को बनाए हुए पिछले 8 सालों से उसमें फिर से वो विराजमान हो सके। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अंबरीश सिंह, A1 TV न्यूज़।